तो फिर मेरे पास यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर है 12 वोल्ट का। अब इसके ऊपर तो इसका एम्पियर लिखा हुआ है 3 एम्पियर, लेकिन बहुत से ट्रांसफॉर्मर में उसके ऊपर उसका एम्पियर नहीं लिखा होता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मल्टीमीटर से कैसे पता करें कि हमारा ट्रांसफॉर्मर कितने एम्पियर का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही करना सिखाऊंगा, कैसे चेक करना होता है। तो वीडियो छोटी सी होगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर ट्रांसफॉर्मर के एम्पियर चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को एसी एम्पियर में लगाना है। फ्रेंड, बहुत से लोग एक गलती करते हैं, उनको लगता है ट्रांसफॉर्मर से डीसी वोल्टेज और करंट निकलता है, लेकिन फ्रेंड ट्रांसफॉर्मर से हमेशा एसी वोल्ट और एसी एम्पियर निकलता है। डायोड लगाने के बाद आपका डीसी वोल्टेज और एम्पियर होता है। तो बिना डायोड के आपको एसी एम्पियर और एसी वोल्टेज में चेक करना है। अब यहाँ वोल्टेज से हटा के इसको एम्पियर पे कर देंगे। अब इसमें मेन लाइन हमको देना है, जो यहाँ मेन लाइन होता है। फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि मेन लाइन कैसे पता करें, कौन मेन लाइन है, कौन आउटपुट है। तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसमें मेन लाइन देते हैं। तो फिर मैंने इसको मेन लाइन दे दिया। सबसे पहले बिना आपको शॉर्ट करके दिखाते हैं, तो मैंने कि शॉर्ट करा है। अब इसको आपको चेक करें दोनों पिन पे ला के। फ्रेंड आपको 2-3 सेकेंड से ज़्यादा चेक नहीं करना है। अगर ज़्यादा चेक करते हैं तो आपका ट्रांसफार्मर और आपका मल्टीमीटर दोनों ख़राब हो सकता है। जैसे मैं 2 सेकेंड के लिए चेक करूँगा, आप देखिए। तो फिर आपने देखा कितने एम्पियर दिखा था, या लगभग 5.5 एम्पियर दिखा था। इसका मतलब ये 5 एम्पियर का है। नहीं फ्रेंड, क्यों 5 एम्पियर दिखा रहा है? क्योंकि फ्रेंड इसके ऊपर अभी कोई लोड नहीं। अगर लोड नहीं लेगा तो हल्का एम्पियर ज़्यादा दिखाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें से 2 से 2.5 एम्पियर घटा देना है। तो कितना? 5.5 एम्पियर ऑलमोस्ट सा। तो आपका ये 3 एम्पियर का मोटा मोटी ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड इस तरह से आप मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर के एम्पियर को चेक कर सकते हैं।